हेलो गाइस, हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये पिन्नू नहाए आई, पिन्नू जाएगी अब स्कूल। कहाँ चलो? मामा कौन? मामा के बुआ के चलेगा? कौन सी के? बुरी आरु दीदू के। अब पिन्नू मेरी ना आई। पिन्नू सर्दी लग रही है, दिखाइए पिन्नू। पिन्नू आपकी मैम के क्या कहती है? चीज चीज अरे चला कैसा रहो चीज। अरे मेरे लग गई। ओ मेरी पैर तोड़ दिए जानते हो। सुने जी जी, स्कूल जा रही है, चीज ली आई हो। अरे हमारे घर में बीमारी फिर दोबारा आते आ गई, पता ना पिन्नू की ये सूज गई है। जा में दर्द है पिन्नू। मैंने आज छोटी छोटी दो रोटी बनाई है और सोयाबीन आलू की सब्जी बनाई। बहुत ज्यादा लग रही है सूजन। ये नीचे नीचे लटक तो रहे गले पे। हाँ कहाँ जा रहे हैं? जय श्री राम। कैसे कर रहे हो? करके दिखा। हाँ बोल जोर से। रॉकी जा रहा है वो बजरंग दल की रैली में, वो समझ रहा मैं जाऊंगा। ऐसे नाचे वो तो डांस करेगा। अब ऐसे रोवेगा कब? जय करो जय। जय कैसे करेंगे? ओ लड़की बन गए। चाबी डाले चोरन की तरह। चाचा जाओ। चाचा 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 कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा हूँ? ठीक है आराम से सो जाइयो। ठीक है हाँ रोइयो नहीं, रोइयो नहीं। ओह ऐसे तू मत बोले, हम तो जा रहे थे। नहीं जा नहीं रहे। बॉबी दे मक्खन लगा रहो। जावे कुमारे कितना मक्खन लगा रहे। नहीं नाम बेटा बाय। ठीक है आप सो जाना। ठीक है जी जी आ जाएगी। जी जी आ रही है ना स्कूल गई है जी जी। ठीक है अब रोइयो नहीं, अब सो जाइयो। हाँ मम्मा बाय। पिन्नू की अभी आई नहीं है ड्रेस, तो पिन्नू ऐसे ही पहन के जाती है। है पिन्नू? और ड्रेस आ जाएगी कल या परसों में। पिन्नू नहा के जाती है बस, ये काम अच्छा है इसका। नहाने के लिए रोती नहीं है, सोच रहे थे ठंडा मौसम है। वो अम्मा को लेने गया है। अम्मा क्यों चली गई हमारे घर से? अरे डोलू की अम्मा पे थे पैया मांग रहे हो बाकी साइकिल के। अच्छा डोलू की अम्मा पे देखो। अरे कितनी काका चीज है गई है आके। पिन्नू तू और मैं तो कहूँ दूर चले। पिन्नू बीमारी थी बच के। तो मेरी तबीयत खराब थी दो तीन दिन से, तो मैं दवाई लेके आई हूँ अभी। और अभी हूँ मैं दुकान पे। दुकान पे भी थोड़ा काम चल रहा था सालिंग का ज़्यादा, अब तो थोड़ा कम है। और फिर शाम को मैं लेट हो जाती थी और काम ज़्यादा की वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरा इतना भयंकर दर्द उठा था पता नहीं, उससे मेरी सांस बिल्कुल हिटकी हिटकी सी आ रही थी, बहुत ज़्यादा इतना दर्द था। तो अब मुझे आराम है। और कुछ मैं सो नहीं पाई थी, चार पांच दिन लेट से सोती थी, तो उसकी वजह से मेरे को परेशानी हो गई थी। दो दिन की दवाई खा ली है अभी और खाऊंगी। तो डॉक्टर ने आराम के लिए बुलाया, लेकिन काम की वजह से आराम कम ही हो पाता है, फिर थोड़ा काम मैं कम ही करूंगी अब। तो आप सब अच्छे होंगे और भगवान आप सब पे कृपा बनाए रखे। मुझे बुखार भी आया था, बुखार की वजह से ये पता नहीं क्या हो गया है यहाँ पे, कुछ
एलर्जी शुरू हो जाती है मेरे, हर बार जब बुखार आता है तो मेरे इसी तरह से होती है। मैंने डॉक्टर को दिखाई भी थी लेकिन कह रहा था कि कभी कभी किसी के हो ही जाता है, ये हर बार ही होता है मेरे, पता नहीं क्यों। ये बच्चे खेलते रहते हैं और मैं यहाँ आ जाती हूँ, मेरा टाइम मैं सुबह आती हूँ 9 बजे, लेकिन अब थोड़ा काम मैं घर करके लाती थी तो फिर मैं 10-11 बजे आती थी यहाँ, 11 बज जाती, 12 भी बज जाती, फोन जाते, सब कस्टमर परेशान हो जाते, ऐसे ही चलता है। अकेले बंदे का काम नहीं है ये, 2-4 है तो ही होता है, तो वो भी मेरे साथ रहता है, वो भी लाता है मुझे फिर घर ले जाता है, क्योंकि वो सिलाई उलाई तो जानता नहीं है, बस इधर उधर से सामान ले आता है, बस इतना ही करता है, जो भी मैचिंग नहीं होती है उन्हें मिला देता है। और आप लोगों की कृपा से अच्छा काम चलता है मेरा, मैं मेहनत करती हूँ तो उसमें सफलता तो मिलती है। मैं खूब मेहनत करना चाहती हूँ, जब तक मेरे हाथ पैर में दम है मैं खूब मेहनत कर, मेहनत में कोई बुराइयाँ नहीं होती और मुझे कोई काम बुरा नहीं लगता मेहनत कर। जब मेरे हाथ में हुनर है तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ, ना ही मुझे ये है कि मुझे अच्छा वाला बुटीक चाहिए और मैं वहाँ पर रहूँगी, नहीं, ये मेरी जो दुकान है छोटी सी ये है गली के अंदर, तो मुझे यहाँ सेपरेट ही अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर मेरी ससुराल है पास में, तो फतेहपुर सीकरी 5 किलोमीटर दूर मेरी ससुराल है, तो ससुराल वाले सब आते जाते रहते हैं, तो मैं ऐसी मेन मार्केट में नहीं रहती, मार्केट की तो बाहर है गली, ज़्यादा दूर नहीं, 5-6 दुकान आगे तो मार्केट है मेन, उसके पीछे मैंने ये दुकान ले रखी है। वैसे इसमें भी सब दुकान है लेकिन यहाँ पे नहीं तो मुझे ज़्यादा घूंघट करना पड़ता है और मैं आराम से अपना काम भी कर लेती हूँ। ऐसी मेन मार्केट में नहीं रहती, मार्केट की तो बाहर है गली, ज़्यादा दूर नहीं, 5-6 दुकान आगे तो मार्केट है मेन, उसके पीछे मैंने ये दुकान ले रखी है। वैसे इसमें भी सब दुकान है लेकिन यहाँ पे नहीं तो मुझे ज़्यादा घूंघट करना पड़ता है और मैं आराम से अपना काम भी कर लेती हूँ। मुझे पता नहीं बहुत दिन से ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि मुझे बुखार था, ऐसी तो बहुत कम बीमारियाँ होती हैं, सिर्फ एक ही बीमारी है पता नहीं चलता उससे, तो वो मुझे सारी दाव सी देती है, दर्द होता है बस, सीने पे दर्द होगा फिर सीने से नीचे चला जाएगा, दर्द रहेगा, दर्द में मैं सांस भी नहीं ले पाती हूँ, इतना दर्द होता है बस, यही है प्रॉब्लम। मैं जांच वगैरह कराऊंगी क्योंकि हमारे फतेहपुर सीकरी में तो केवल दवाई ले सकते हैं, कोई ऐसी जांच वगैरह नहीं है, अब फिर भी थोड़ी बहुत ब्लड वगैरह की हो जाती है, बड़ी जांचें कोई भी नहीं होती यहाँ पे, ज़्यादा सुविधा नहीं है यहाँ।